तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मेंटल मैथ्स सेशन 2024-25 चैप्टर 3 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी क्वेश्चन अपलोड हैं, आप देख सकते हो चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 तक अपलोड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देख लो। बताइए निम्न रेखाएं किस अक्ष के समानांतर हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 का फर्स्ट, y इक्वल टू 0 है। तो दो अक्ष होते हैं, ये आपका x होता है और ये होता है आपका y। ठीक है, तो बताना है कौन किसके समानांतर है। तो y बराबर 0 है, तो अगर y की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है तो आपको ये ध्यान में रखना है, आंसर में लिखना है कि यह x अक्ष को दर्शाता है। अगर y की वैल्यू 0 है तो, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 दिए होते तो लिखते ये y अक्ष को दर्शाता है। बस लिखना है दर्शाता है, क्योंकि x कोई सा भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि y यहाँ पर 0 है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। ये हो गया आंसर। सेकंड देखो, सेकंड है 3x-6=0। सॉल्व करो, 3x=-6 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x=6/3 आपको मिलेगा 2। x कितना मिला आपको? 2। तो ध्यान से देखो, x 2 है यानी प्लस का है, तो इधर कहीं पर होगा 1, 2। ठीक है, तो अगर इसके समानांतर रेखा जाएगी तो किसके जाएगी? y के। तो सीधा आपको लिखना है y अक्ष, ये किसके समानांतर होगा? y अक्ष के। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। इसके बाद में थर्ड है, x=-2। तो ध्यान से देखो, -2 इधर होगा, ये -1 होगा यहाँ पर, -2। तो जब भी x की क्लियर वैल्यू है तो वो y अक्ष के समानांतर होगा, तो यहाँ पर आंसर में लिखना y अक्ष के। ठीक है, अगर -2 से ऐसे करोगे तो ये y अक्ष के समानांतर होगा। समानांतर का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो 4, x=0। अब यहाँ पर x=0 है तो आपको लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा, ये y=0 था तो यह x अक्ष को दर्शाता है, लिखे थे x=0 है तो लिखोगे ये है y अक्ष को दर्शाता है। अगर वैल्यू 0 है तो ध्यान रखना, अगर वैल्यू कुछ आ रही है, जैसे x यहाँ पर -2 है, x यहाँ पर 2 है प्लस का, तो डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख देना, यानी y अक्ष के। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा है आपका 2y+8=0। ठीक है, सॉल्व करो, 2y=+8 इधर आएगा -8, y=-8/2 आ जाएगा -4, यानी आपको मिला y-4। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया x अक्ष के ये निकलेगा। ठीक है, क्योंकि y=-4 है आपका, तो -4 कहीं नीचे होगा, -1, -2, -3, -4 यहाँ पर कहीं होगा, तो ये किसके समानांतर निकलेगा? x के। ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बस सीधा लिखना है x अक्ष के समानांतर है या फिर y अक्ष के। अब शॉर्टकट देख लो, अलग तरीके से कैसे समझोगे। फिलहाल ये सातवें का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आंसर हो गया है। ठीक है, शॉर्टकट में डायरेक्ट देखो, अगर यहाँ पर y की वैल्यू डायरेक्ट है तो x अक्ष को दर्शाएगा, अगर 0 है तो। इसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y नहीं है तो डायरेक्ट y अक्ष लिखो। इसमें x की वैल्यू साफ साफ पता है तो y अक्ष आएगा। इसमें x 0 है तो लिखोगे y अक्ष को दर्शाता है, क्योंकि वैल्यू क्या है? 0 है। इसमें y की वैल्यू है तो डायरेक्ट x अक्ष के समानांतर होगा, इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे ही आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन,
8 का फर्स्ट, भुज माइनस 3/2 है, तो भुज आपका होता है x, क्या होता है x, कितना है माइनस 3/2। कोटि, कोटि कितना दिया है, कोटि होता है आपका y, कितना दे रखे हैं 5 प्लस का, ये है। तो बिंदु कौन सा होगा, तो बिंदु आपका होता है x y, हमेशा पहले x ही लिखते हैं, तो x आपका है माइनस 3/2, y आपका है 5, ये हो जाएगा बिंदु, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, कोटि 5/4 है, तो पहले हम लिखते हैं भुज, भुज क्या आपका x, और x इसमें पता नहीं है, रहने दो। कोटि दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं कोटि, कोटि होता है y, दे रखे हैं 5/4, ठीक है। तो जब कोटि का पता है 5/4 है, ओके ना, तथा y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है तो आपका x यानी कि भुज 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब बिंदु कौन सा बनेगा, पहले x लिखते हैं फिर लिखते हैं y, तो x आपका 0 है, y है 5/4, ठीक है, ये हो जाएगा 0.5/4, क्लियर है, कोई डाउट। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन थर्ड, कोटि 5 व भुज माइनस 2 है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं भुज, हमेशा ध्यान में रखना, भुज यानी कि x कितना है माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया माइनस 2, कोटि क्या होता है y, कितना है कोटि आपका है प्लस का 5, तो बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो बिंदु हमारा होगा एक्स वाई, तो पहले x लिखते हैं, x आपका माइनस 2 है, y आपका है प्लस का 5, तो माइनस 2 एंड 5, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ओके। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर नाइन, रिक्त स्थान भरिए, पहला क्वेश्चन, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन के बिंदु को डैश कहा जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब ये आपका होता है x एक्सिस और ये होता है y, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.0, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, को यानी को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है, तो बुक में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, आंसर नंबर 9 का फर्स्ट में लिखोगे मूल बिंदु, ठीक है। अगला, दोनों अक्षों के बीच बने कोण का मान है, तो ध्यान से देखो, ये दो अक्ष हैं, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दोनों अक्षों के बीच में, ठीक है, ये सब 90 डिग्री के हैं, 90 के हैं, ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप लिखोगे 90 डिग्री, ठीक है। अगला, मूल बिंदु के भुज व कोटि हैं, तो अभी मैंने समझाया, मूल बिंदु के भुज, भुज भी आपका ये x जो होता है भुज 0 होता है, कोटि y भी 0 होता है, तो थर्ड में आप आंसर लिखोगे 0.0, ठीक है, जो आपका भुज होता है ये भी 0 होता है, ध्यान रखना x बोलते हैं, और जो कोटि होता है ये भी आपका होता है 0, जिसे y बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको लिखना थर्ड में 0.0, ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री भरोगे, यहाँ पर 0.0। अगला, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का कोटि होता है, अगर x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो बिंदु का जो कोटि होगा y हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना, क्या होगा 0, ठीक है। और अगला, y अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु का भुज होता है, तो अगर y अक्ष पर स्थित है तो भुज यानी कि x 0 होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, तो 9 में आपको ध्यान रखना, फर्स्ट में मूल बिंदु लिखना है, और यहाँ पर 90, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, एक्स अक्ष पर स्थित है तो कोटि यानी y 0 होगा, y अक्ष पर स्थित है तो भुज यानी x 0 होगा, ध्यान रखना। तो टोटल आज की वीडियो में मैंने 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।